अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज हम पास्ता बनाएंगे। यह है टमाटर 4 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद। इसको मैंने पहले पानी में बॉईल किया है। जब ये थोड़ा सा नरम हो जाए तब इसे निकालेंगे। फिर अच्छा वीवर्स, इसको मैंने निकाल दिया है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अभी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इतना सा ऑयल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पकाएंगे इसे। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम ये सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। अच्छा व्यूअर्स, ये है 3 अदद लहसुन, अदरक। अच्छा व्यूअर्स, मैंने ये लहसुन और अदरक इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम इसमें हरा धनिया, पुदीना, शिमला मिर्च, ये जो मैंने आपको दिखाया था चिली सॉस, सोया सॉस, केचप, सिरका, इसमें डालेंगे। मिक्स करते हैं। और सबसे आखिर में इसमें मसाला डालेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मसाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों की वजह से ज़्यादा नहीं डालते हैं हम लोग। रख देंगे 15 से 20 मिनट तक दम पे रखेंगे इसे, फिर आपको बाद में दिखाऊंगी। माशाल्लाह ज़बरदस्त हम लोगों की रेसिपी तैयार हो चुकी है, ये आप सब देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप सब भी ट्राई करें इस मौसम में। उम्मीद करती हूँ मेरी ये व्लॉग आप सबको पसंद आई होगी। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ व्यूअर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबको मिल सके। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।